अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि कैट का वेट किस तरह से गेन करवा सकते हैं, किस तरह से हम कैट को हेल्दी कर सकते हैं, और मैंने आपको फूड रेसिपी भी बनाकर दिखाई थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैट को हर्पीस वायरस इन्फेक्शन क्यों होता है, इसकी रीज़न क्या होती है, कैट कौन से साइन और सिम्टम शो करती है, और किस तरह से हम अपनी कैट को इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। और वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हर्पीस वायरस होता क्या है। ये जो होता है ये कॉन्टेजियस इन्फेक्शन होता है, मतलब अगर आपकी एक कैट को हुआ है तो दूसरी को भी हो सकता है। इसलिए अगर आपकी कोई कैट जो है वो बीमार लग रही है तो आप उसको सेपरेट कर लें। और ये जो है ये डोमेस्टिक कैट और वाइल्ड कैट, मतलब जो हमने घर में रखी होती हैं, जो बाहर बिल्लियाँ फिर रही होती हैं, स्ट्रीट कैट, उन दोनों को हो सकता है। लेकिन ये ह्यूमन को नहीं होता कैट से, ना ही डॉग्स को होता है, ये जस्ट कैट्स को ही इन्फेक्ट करता है। और ये कैट में फ्लू की वजह भी बनता है। तो हम डिस्कस करते हैं कैट कौन से साइन और सिम्टम शो करती है जब उसको हर्पिस वायरस का इन्फेक्शन होता है। कॉमन साइन क्या होते हैं, कैट की आइस से सिक्रीशन होती है, नोज से डिस्चार्ज होता है, इसके साथ ही कैट की आइस जो हैं वो पिंक होने लगती हैं, कैट खाना पीना छोड़ देती है, और उसको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती है, कफिंग करती है, और इसके साथ ही कैट बहुत ज़्यादा डल डिप्रेस हो जाती है, और कैट को फीवर भी होता है। और वायरल इन्फेक्शन में मोस्टली क्या आता है, कैट को बहुत ज़्यादा फीवर होता है। तो ऐसा अगर कोई भी साइन और सिम्टम आप देखते हैं तो वेट से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि वही आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि आपकी कैट को कोई वायरल इन्फेक्शन है या नॉर्मल उसको कोई ठंड लगी है, जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है, कैट अगर पूरी रात बाहर रहती हैं, ठंडी जगह पर रहती हैं, उससे भी उनको ये इन्फेक्शन हो जाता है। और इसके साथ ही अगर हम कैट का टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो क्या होता है कि उसकी आइज़ जो हैं वो भी इफेक्ट होने लगती हैं, और उसकी आइज़ पे वाइट कलर की लेयर बनना शुरू हो जाती है। और बहुत कम केसेस में देखा गया है कि कैट की जो स्किन है वो भी इफ़ेक्ट होने लगती है, उसकी नोज़ के पास, उसके मुँह के पास जो है अल्सर बनना स्टार्ट हो जाती हैं, और गम्स भी जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके इस तरह के कोई भी साइन और सिम्टम नज़र आते हैं तो वेट से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि वही आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं कि क्या कैट को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है या उसको हर्पिस वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैट को किस तरह से इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं और किन रीज़न की वजह से ये इन्फेक्शन कैट को होता है। इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है, मतलब अगर आपकी एक कैट को इन्फेक्शन हुआ है तो अगर और भी वहाँ पर कैट्स हैं तो उनको भी हो सकता है। और इसके साथ ही जब कोई भी बीमार कैट जो है वो सांस लेती है, इससे भी दूसरी कैट को हो सकता है, ड्रॉपलेट्स के अंदर ये वायरस चला जाता है, उसके ज़रिए दूसरी कैट को भी हो जाता है। और जब हम उनके फीडिंग बाउल शेयर करते हैं या लीटर बॉक्स ट्रे जो होती हैं वो हम यूज़ करवाते हैं एक दूसरे की, तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। और जब मदर कैट जो है वो अपने बच्चों को फीडिंग करवाती है तो अगर मदर कैट को ये इन्फेक्शन है तो उससे उसके बच्चों को भी हो सकता है। इसलिए अगर आपकी एक कैट को हो गया तो दूसरों को उससे सेपरेट कर लें। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कैट को इस इन्फेक्शन से बचाने के लिए, कि आप अपनी कैट के टाइम पे वैक्सीनेशन करवाएं। और मैं अपनी कैट को नॉर्मल क्या करती हूँ, मैं उनकी कोई ख़ास केयर नहीं करती, उनको जस्ट वैक्सीनेशन टाइम पे करवाती हूँ, उनके डिवर्मिंग टाइम पे करती हूँ, और उनकी मतलब सफ़ाई का ख्याल रखती हूँ, उनके बर्तनों की सफ़ाई का ख्याल रखती हूँ, और इसके अलावा जिस एरिया में रखा होता है उनकी क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, जिससे मेरी कैट जो है वो हेल्दी रहती हैं, एक्टिव रहती हैं। अभी भी डोरा की वैक्सीन आई पड़ी है, बस टाइम ही मिला लगाने का, और मैंने सोचा था आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाऊंगी कि कैट को वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उस पर भी बनाएंगे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं किस तरह से आप अपनी कैट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है, जब आपको लगे कि आपकी कैट को कोई भी वायरल इन्फेक्शन है फ़ौरन से आप उसे वेट के पास ले जाएँ, क्योंकि इसमें स्पोरेटिव केयर की जाती है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता। और इसमें हम क्या करते हैं कि कैट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, और इसके साथ ही हम उसको जो उसके गले में पेन होती है, थ्रोट इन्फेक्शन भी होता है कैट को, जब उसको हर्पिस वायरस का इन्फेक्शन होता है उसे बहुत ज़्यादा इरीटेशन होती है, गले में दर्द होती है, उसके लिए हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग नील स्टेट ड्रॉप्स देते हैं, उससे भी कैट को काफ़ी सुकून मिलता है। और इसके साथ ही हम उसको लीवर टॉनिक देते हैं, मल्टी वाइटामिन इंजेक्शन देते हैं, और फ्लूइड थेरेपी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वायरल इन्फेक्शन में, क्योंकि कैट जो है वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देती है, तो उसको मेंटेन रखने को के लिए, उसकी हेल्थ को और हाइड्रेशन को मेंटेन रखने के लिए फ्लूइड थेरेपी की जाती है। और इसके साथ ही स्ट्रेस भी किसी हद तक कैट में वायरल इन्फेक्शन का रीज़न हो सकती है, जब आपकी कैट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है उससे कोई भी इन्फेक्शन उसे हो सकता है,
और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैट्स हैं तो वहाँ पे भी ये इन्फेक्शन जल्दी से फैलता है, इसलिए कैट की क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जिस एरिया में उसे रखा हुआ है उसको क्लीन ज़रूर किया करें, और उनके फीडिंग बाउल जो है उनकी भी क्लीनिंग का ख्याल रखा करें, और उनकी एनुअल बूस्टर डोज वैक्सीनेशन भी ज़रूर करवाएं करें। और अगर आपकी कैट को कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं और अच्छे अच्छे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, इसी तरह से हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।